सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो आप अपने फ़ोन पर पाइए। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं हिमांशु हूँ और आप देख रहे हैं फनजून हिंदी टेक टिप्स। दोस्तों जियो एक और खुशखबरी लेकर आया है, तो चलिए मैं उसे अपनी एक साइट खोलकर दिखा देता हूँ और आपको बता भी देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, एक ABP न्यूज़ पे 7 तारीख को, ये वेडनेसडे को ये पोस्ट किया गया है, जियो फीचर फोन जल्द होगा बाज़ार में उपलब्ध, 2 मॉडल होंगे लॉन्च। रिपोर्ट के अनुसार इसने ABP न्यूज़ ने ये पोस्ट किया था। तो चलिए मैं इसके कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बता दूं। यहाँ पर कह रहा है, रिलायंस जियो ने भारतीय मोबाइल फ़ोन इंटरनेट की दुनिया में एक नई क्रांति लाई है। टेलीकॉम के बाद रिलायंस जियो कई नए प्रोडक्ट और सेवाओं पर काम कर रहा है। कंपनी जल्द ही अपनी ब्रॉडबैंड सेवा लॉन्च करने वाली है। इसके अंतर्गत रिलायंस जियो के आने वाले 4G फुल्टी फीचर फ़ोन को लेकर खबरें और तेज़ हो गई है। तो ये रही बात दोस्तों, तो यहाँ पर और इसके आगे लिखा हुआ है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाके पढ़ सकते हो। यहाँ बोला 91 मोबाइल के सामने आई मीडिया रिपोर्टिंग के मुताबिक जियो के इस फीचर फ़ोन का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है, मतलब ये फ़ोन बनने लगी है और इसमें आपको 2.4 इंच की डिस्प्ले मिलेगी और इसके प्रोसेसर के लिए कंपनी क्वालकॉम और स्प्रेडट्रम से साझेदारी की है। इसका 2 मॉडल आएंगे दोस्तों, दोनों मॉडल में 512 MB रैम रहेगी और 4 GB इंटरनल लगी और माइक्रो SD कार्ड लगाकर इसे बढ़ाया जा सकता है। और इसके फ़ोन फीचर में मतलब कैमरा, इसके रियर कैमरा 2 मेगापिक्सल का रहेगा, वहीं VGA फ्रंट फेसिंग कैमरा होगा। और इसके दाम की बात करें दोस्तों, तो मात्र 1500 रुपये में ये अवेलेबल होगी। और देखिए इसमें क्या क्या खासियत हैं, इसकी सबसे अहम खासियत में से एक है कि यह फ़ोन NFC कनेक्टिविटी और वाईफाई सपोर्ट करेगा। इसके अलावा ये फ़ोन फीचर फ़ोन GPS सपोर्टिंग भी हो सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके बताइए, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं, और अच्छा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।